सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में दो डिवाइसेस, दो चीज़ें हम करेंगे जिसमें कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पूरा कवर हो जाता है। एक एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं पीएन जंक्शन या पीएन डायोड, एक ही बात है। तो आप इसमें लिख भी सकते हो पीएन जंक्शन और पीएन डायोड, एक ही बात है। पीएन जंक्शन या पीएन डायोड, एक ही बात है। तो ये एक डिवाइस, एक हम इसका कंपोनेंट करेंगे, सेमीकंडक्टर से बना हुआ है पीएन जंक्शन, और एक और कंपोनेंट है जिसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर भी सेमीकंडक्टर से बना होता है। ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं, डायोड बना रहे हैं या ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, ये कहाँ काम आती है? डायोड काम आता है सबसे पहले रेक्टिफायर बनाने के काम आता है। तो दो कंपोनेंट्स हम इसमें स्टडी करते हैं, एक डायोड करते हैं और एक ट्रांजिस्टर करते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर करते हैं। डायोड जो हम बनाएंगे या ट्रांजिस्टर जो बनाएंगे, ये किससे बने होते हैं? दोनों के दोनों सेमी कंडक्टर से बने होते हैं, सेमी कंडक्टर से बने हुए दोनों। तो क्योंकि ये सेमी कंडक्टर से बने हुए हैं, डायोड कहां काम आता है? डायोड काम आता है रेक्टिफायर बनाने में, रेक्टिफायर बनाने में। डायोड काम आता है एलईडी बनाने में, लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड काम आता है सोलर सेल बनाने में, ठीक। तो डायोड रेक्टिफायर बनाने के काम आता है। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे आप एक लैपटॉप चलाते हैं, लैपटॉप के आगे चार्जर लगाते हैं, चार्जर क्या करता है? चार्जर को एसी मेंस में लगाते हैं, 220 एसी। आपका लैपटॉप का चार्जर 12 वोल्ट का डीसी है, तो पहले तो उस चार्जर में लगा होता है ट्रांसफॉर्मर छोटा सा, जो स्टेप डाउन करता है 220 को 12 वोल्ट कर देगा एसी। फिर उसके अंदर लगा होगा रेक्टिफायर जो पीएन डायोड से बना होगा, जो एसी को क्या कर देगा? फ्लैट डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो रेक्टिफायर का ये काम है। तो ये आपके सिलेबस में है दोनों। उसके बाद है एलईडी। आप दिवाली पे लगाते हैं एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, या देना जरा नीले रंग की एलईडी, वो छोटी 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 होती हैं, ग्रीन की, रेड की, अलग अलग कलर्स आते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। सिर्फ वही नहीं, आपके घरों के अंदर भी ट्यूब की जगह आजकल क्या चल रही है? एलईडी लाइट, एलईडी लाइट या एलईडी का बल्ब। तो एलईडी बनाने के काम आती हैं। तीसरा, घरों के छत पे सोलर पैनल लगे होते हैं, वो सोलर करके बहुत बड़े बड़े, वहां भी ये डायोड लगे होते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस है, ठीक हो गया यहाँ तक। फिर नेक्स्ट डिवाइस है क्या? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कहाँ काम आता है? ट्रांजिस्टर का कंपोनेंट काम आता है इन मेकिंग एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ एम्पलीफाई हो रही हो उस मशीन के थ्रू, उस मशीन में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई कर सकता है। कितने टाइम्स वो आप जो यूज़ करोगे उसकी, मतलब आप कितने भी टाइम एम्पलीफाई कर सकते हो। तो उसके अंदर वो क्या मैकेनिज्म है जो साउंड को मिक्स करके ये सिग्नल को क्या कर देता है? एम्पलीफाई, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, इसलिए इसका नाम है एम्पलीफायर, एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। दूसरा काम ये करता है एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर आपको याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन प्रिंसिपल डिस्कस किया है, लेकिन जो आप माइक्रोवेव ओवन या आप मोबाइल फोन में यूज करते हैं एलसी ऑसिलेटर, उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो जो आपके मेंस और आपके जो सीबीएसई वाले हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का ज़्यादा डिटेल्ड काम है, इसको हम हटा देते हैं। इन्होंने इस सिलेबस को हटा दिया, एक कंपोनेंट को, और इसकी एप्लीकेशन भी हट गई सारी। लेकिन वो कहते हैं डायोड तक कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट रह जाता है। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे क्या? डायोड, ये कैसे बनता है, और अगली बार क्या करेंगे? रेक्टिफायर और एलईडी कैसे बनती है विद द हेल्प ऑफ डायोड। ये आपका कोर्स बचा हुआ है। तो यहां तो कोर्स है, तो स्टार्ट करते हैं विद पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है? जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को इकट्ठे नजदीक लेके आते हैं। नजदीक कैसे लेके आते हैं? नजदीक ऐसे लेके नहीं आना, दो पीस ले आए, दोनों को जोड़ दिया, नहीं, ऐसे नजदीक नहीं होता। नजदीक होता है कि जैसे जब आप पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं किसी मशीन के थ्रू, एटम बाय एटम। तो आप पहले क्या करते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, पी टाइप में पी टाइप के सारे सिलिकॉन के साथ जो है ट्राइवेलेंट डालते हैं, और एन टाइप में सिलिकॉन के बीच में पेंटावेलेंट डालते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। तो जब आपने एटम 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 डाला,
तो बीच में ना बाउंड्री भी आएगी। बीच में क्या होगा, बीच में जब आप इसको फैब्रिकेट कर रहे होंगे तो एक बाउंड्री आएगी जिसमें आपने ये एन टाइप कर दिए, जिसमें आपने ये पी टाइप कर दिए, और यहाँ पे एक बाउंड्री आ गई। ऑटोमेटिकली आनी है, कहीं तो रुकेगा पी टाइप, कहीं तो रुकेगा एन टाइप। तो जैसे ये तैयार होता है एक फिनोमेना इसमें होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या फिनोमेना है, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। जंक्शन का मतलब ये बीच का रास्ता जंक्शन है। इस जंक्शन में एक फिनोमेना होता है, वो क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें होता क्या है, इमेजिन करें एक मिनट के लिए, पहले इस टॉपिक और ये पेपर में पक्का आएगा, सीधा क्वेश्चन आता है कि पीएन जंक्शन को एक्सप्लेन करें एंड ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल एंड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। बिल्कुल स्ट्रेट वे डेट लिखने को आएगा, ये बहुत चांस है इसका आने का क्वेश्चन का। तो जो मैं बोल रहा हूं समझा रहा हूं आपने सारा लिख के आना है उसमें, ठीक। तो इमेजिन करो एक मिनट के लिए, इसको तो बाद में कर लेंगे, आप वैसे इमेजिन करो इस क्लास में इधर कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, इधर कुछ स्टूडेंट बैठे हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं वो एन टाइप हैं और ये वाला सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप है। मतलब इसमें मैक्सिमम सिलिकॉन सिलिकॉन है, लेकिन क्योंकि एन टाइप है तो इसके अंदर पेंटावेलेंट एटम एक आध बैठे होंगे। मान लो ये दोनों पेंटावेलेंट है, बाकी आराम करें सिलिकॉन है। और ऐसे यहां पे एक आध आर्सेनिक बैठा होगा जो कि ट्राइवेलेंट है, बाकी सब क्या है, सिलिकॉन सिलिकॉन है। तो इमेजिन करें, नहीं आर्सेनिक नहीं, आप ट्राइवेलेंट बोलना चाहिए मुझे, तो इंडियम बोल देते हैं। तो इसके अंदर आप में से ये दो ट्राइवेलेंट है और मान लें ये दो पेंटावेलेंट है, बाकी सब सिलिकॉन 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 है, नॉर्मल है। तो आपके सेमीकंडक्टर का नाम पी टाइप है, आपके सेमीकंडक्टर का नाम एन टाइप है। जैसे ये इकट्ठे हुए तो आपसे पूछा आप क्या हो, आपने कहा सिलिकॉन है, आपकी जेब में कितने रुपए हैं, चार रुपए ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड बनाए बैठे आसपास। आपसे पूछा, आपने कहा चार रुपए हैं, मैंने कहा ठीक है आराम करो। आपसे पूछा कितने रुपए हैं, क्योंकि डोपेंट था, इसके पास कितने हैं, तीन रुपए हैं, तीन है ना, इसके तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, डोपेंट है। डोपेंट की बात हो रही है, सिलिकॉन की बात नहीं हो रही। अब इससे पूछा कितने रुपए हैं, ये कहते हैं मेरे पास तो पांच रुपए हैं, क्योंकि मैं तो इसमें पेंटावेलेंट हूं। दोनों न्यूट्रल हैं, सारे न्यूट्रल हैं। अब देखो ना, जिसके पास एक रुपया कम है, कम तो नहीं कहूंगा, तीन रुपए हैं, लेकिन ये चार कर तो सकता ही है, ये भी चाहता है कि बॉन्ड बने सिलिकॉन के साथ। और इसके पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे घूमने को तैयार है स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये कहते हैं काम करते हैं हम ना, एक इसमें ट्रांजेक्शन करते हैं, तू मुझे एक रुपया दे दे। ये कहते ठीक है, मेरे तो न्यूक्लियस से वैसे ही बाहर है एक 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 इलेक्ट्रॉन, वो तो वैसे ही घूमने को तैयार बैठा है, और इसके पास एक होल है, डेफिशिएंसी है, तो पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जो फ्री, जो इसके न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, वो अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ और इसकी जेब में एक रुपया आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास आ गया। अब इसके पास क्या हो गया, चार रुपये हो गए, इसके पास भी कितने हो गए, चार रुपये। आप आराम करो, आप सिलिकॉन हो, ये सारी गेम कौन खेल रहा है, डोपेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास चार, इसके पास चार। अब इससे आपसे पूछा, आप सिलिकॉन हो, आपके पास कितने क्या चार्ज है, आपने कहा जी हम तो न्यूट्रल हैं, आराम से बैठे हैं, हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन इससे पूछा कि तेरे पास तो तीन रुपए थे, तेरे पास अब कितने हैं, कहता चार रुपए। तो इसके ऊपर आप सिर पे लगा देना नेगेटिव चार्ज, इसके पास एक्सेस हो गया, पहले न्यूट्रल था, इसके ऊपर लगा देना नेगेटिव चार्ज। और ऐसे ही इसके पास पांच रुपए थे, एक रुपया दे के बैठ गई, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पांच में से एक तो गया ना, तो पांच में न्यूट्रल थी ये, लेकिन एक रुपया दे दिया तो क्या हुआ, चार रह गए, तो इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ही मान लो 10-12 लोग थे जिन्होंने ऐसा जो ट्रांजेक्शन कर ली, एक एक रुपया ले लिया इन लोगों ने, और यहां ने एक एक रुपया दे दिया। अब हुआ क्या, इस चक्कर में यहां पे 5-7 बच्चे जो डोपेंट थे, जो ट्राइवेलेंट के डोपेंट थे, उन सबके सिर पे क्या लिखा गया, नेगेटिव चार्ज, और इनके ऊपर क्या लिखा गया, पॉजिटिव चार्ज, आप सब न्यूट्रल हैं। तो इमेजिन करें इसमें यही हो रहा है एग्जैक्टली। ये आपके पास, ये आपके पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, या मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी लिख लेते हैं, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसके अंदर ये व्हाइट कलर के अंदर सिलिकॉन के लाखों करोड़ों एटम है, जो दिखा नहीं रहा मैं खोल के, पर अंदर बॉन्ड बने हुए हैं, सब बने हुए हैं। मैं दिखाऊंगा सिर्फ डोपेंट, डोपेंट ये रहा, मान लो एक डोपेंट है, डोपेंट के पास मान लो ये एक अंदर एटम है, ये एटम है, इसके पास क्या है, एक होल है, एक होल है। मैं लिख देता हूं यहां पर, प्लस में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर जो एटम है इसके पास एक एक्स्ट्रा होल है, और ऐसी यहां पर जो बाउंड्री है इसके पास होल है, होल है, होल है, ये सब डोपेंट है,
पी टाइप के, और इसके पास क्या है जो एटम है, इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये माइनस का मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस से दूर है। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाके बैठ जाएगा यहाँ पे, ऐसे बैठ जाएगा, तो जब ये यहाँ पे बैठेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसे तो खुद पॉजिटिव आ गया, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव, क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो एक्सचेंज हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो एक की डेफिशिएंसी, एक का एक्सेस, तो जो पी रीजन था उसके इस दीवार पे जो जो एटम थे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और एन टाइप के इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई अब कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, यहां पर ट्रांजेक्शन करने से, वो इलेक्ट्रॉन का लेने देने से यहां पर जो एटम थे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि होल वालों ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और एन टाइप ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां पर जो लोग बैठे थे या जो एटम थे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो खुद डेफिशिएंट हो गए। अब इसके अंदर और भी ऐसे एटम है जिसके पास होल है, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर इसमें कौन है, होल्स है, इसमें मेजोरिटी कैरियर कौन है, जिनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कहता है एटम, कहता है जिसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है कि भाई मेरा भी इधर होल के साथ ट्रांजेक्शन करवा दो, क्या दिक्कत है इसमें, मैं भी तो हूं, जैसे इन्होंने की शुरू शुरू में जिन्होंने की, तो मेरा भी इसके साथ ट्रांजेक्शन करवाओ, मैं भी इलेक्ट्रॉन दे के होल के ऊपर बैठ सकता हूं। लेकिन अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन ने यहां, फालतू इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां जाने की कोशिश करेगा तो अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, क्योंकि जितना प्लस और माइनस इकट्ठा होता जाएगा बाउंड्री पे, ये सब बाउंड्री पे हो रहा है, तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव दीवार खड़ी हो गई और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। वो पोटेंशियल डिफरेंस इतना डेवलप हो गया कि अब अगर इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस भी करना चाहे तो वापस आना पड़ेगा उसे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बहुत सारा इसे क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, और ऐसे पॉजिटिव चार्ज इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल कर देगा। तो शुरू शुरू में जिनकी जो कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल के होने थे वो हो गए, अब अगर कोई नया इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होना चाहता है तो ये करने नहीं दे रहा ये पोटेंशियल, इसलिए इसका नाम है बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि बैरियर की तरह काम कर रहा है। और इस रीजन में ना कोई इलेक्ट्रॉन ना होल अब मूव कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने एक दीवार खड़ी कर ली है पोटेंशियल की। इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का मतलब जहां पर कोई मूवमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की। क्लियर है यहां तक? तो इसमें क्या शो किया हुआ है, यही शो किया हुआ है, पी और एन है, मेजोरिटी कैरियर होल्स हैं, मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इक्का दुक्का माइनॉरिटी भी है इसमें जो कि होल्स हैं। तो शुरू शुरू में क्या हुआ, पी टाइप के ने और एन टाइप ने एक्सचेंज किया, पी टाइप के इन एटम के ऊपर नेगेटिव एक्सेस हो गया, इन्होंने ले लिया इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये डेफिशिएंट हो गए, तो यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसको वीबी से रिप्रेजेंट किया, बैटरी नहीं है जस्ट वैसे बता रखा है बैरियर पोटेंशियल, और इस रीजन को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। लिखना कैसे है पेपर में, लिखना ऐसे है, ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन टू सेक्शन ऑफ पी एंड एन जंक्शन। तो एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर होल्स हैं, तो चार्ज कंसेंट्रेशन में फर्क है। चार्ज कंसेंट्रेशन कैसे, एक में मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और एक में होल्स हैं। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज थ्रू जंक्शन इन टू पी रीजन, इलेक्ट्रॉन एन रीजन के जो एक्सेस में है वो पी रीजन में एंटर करते हैं और होल्स पी रीजन के एन रीजन में एंटर करते हैं, लिखा हुआ है इसमें। तो इससे क्या होता है, तो वेन सिंस द होल वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या यहां से करते हैं, वेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूजेज इनटू पी रीजन, इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द वैकेंसी, दैट इज इट कंप्लीट द कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे इलेक्ट्रॉन होल के ऊपर कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं जंक्शन के ऊपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। The accumulation of electric charges of opposite polarities in two regions of the junction gives rise to an electric field between these regions. तो यहाँ पर चार्ज इकट्ठे हो गए पॉजिटिव नेगेटिव,
तो बीच में क्या इकट्ठा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेज विद माइग्रेशन ऑफ मोर चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। जितने जितने इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन जंक्शन पे होते जाएंगे उतने चार्जेस इकट्ठे होते जाएंगे, और ये स्ट्रेंथ, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेज फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड दैट ऑफ होल्स फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। कह रहे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने रोक लिया, फर्दर माइग्रेशन नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं जंप कर पाएंगे होल में, होल नहीं जंप कर पाएगा इलेक्ट्रॉन रीजन में, एन रीजन में। अब वो कह रहे हैं कि एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया VB, जो कि फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है। अ रीजन इज क्रिएटेड विच इज डी वॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया जहां पर कोई चार्ज कैरियर मूव नहीं करेगा, और जिस रीजन को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। ये सब आपने लिख लिया है, डिप्लीशन रीजन, बैरियर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहा बैरियर पोटेंशियल की वजह से, आपको इलेक्ट्रॉन को और जंप अगर करवाना है वो खुद तो जंप नहीं कर पाएगा, आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी बैटरी से, कितनी, E into VB। तो जितना बैरियर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से बैटरी लगा के एनर्जी दी जाए E into VB, ताकि वो जंक्शन को क्रॉस करेगा। अपने आप नहीं क्रॉस कर पाएगा, आपको बैटरी से एनर्जी देके ही क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये इसका सिंबल है, ये ऐसे बना सकते हैं, जो आपने ये जो पीएन जंक्शन का डायग्राम दिखाया अभी, ये वाला, ये पी है और ये एन है। इस पूरे डायग्राम का एक शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, ये एन है और ये पी है, ऐसे। तो पीएन जंक्शन का ये डायग्राम या ये डायग्राम एक ही बात है, ट्रायंगल को पी बोलते हैं और लाइन को एन बोलते हैं। तो इसको पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, डायोड। तो ये डायोड जब बना तो ऐसा था, और इसके अंदर ये प्रोसेस चलता है जब ये बनता है। तो यहां तक क्लियर है, जब लिखने को आएगा तो लिख लेंगे इसमें, ठीक। तो ये थ्योरी आपने लिखनी है इसमें।